चले बिजली लाइन में आइए, अपने अपने मोबाइल पर का ध्यान रखिए भैया, लाइन में आइए, सीधे सीधे खड़े हो जाइए, चलिए चलते रहिए भैया। तो जायके की खोज आज हमें लेके आ गई पुरानी दिल्ली, और जहाँ पे हम आए हैं वो है ओल्ड फेमस जलेबी वाला, और इनकी शॉप है 150 साल पुरानी, और ये फेमस है अपने छोटे छोटे समोसे और जलेबियों के लिए। क्राउड देखो यहाँ पे, ये देखो भाई, लोग लाइन में खड़े हैं अपनी जलेबी लेने के लिए, देखो आप। और ये इनका छोटा सेटअप है जहाँ पे जलेबी लगी हुई है सारी की सारी, और इसी काउंटर से लोग सर्व करते हैं। जलेबी का रेट बताऊँ आपको, 600 रुपए केजी है, और प्लेट है 100 ग्राम का, 60 रुपए का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 60 रुपए, और पर केजी है 600 रुपए। मोबाइल परत का ध्यान रखे, चलिए चलिए चलते रहिए। टोकन कहाँ से मिलते हैं भैया? टोकन नहीं होता है, हाथ के हाथ पैसे लेगा जलेबी देगा, चलिए चलिए चलते रहिए। चलिए देखिए लाइन लगी हुई है, और ये भैया बता रहे हैं कि अपने पर्स का खुद ही ध्यान रखे, लाइन में जाओ, लाइन में जाओ, चलिए चलिए चलते रहिए। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, चाहे जलेबी की लाइन हो चाहे समोसे की लाइन हो। समोसे की लाइन देखो यार, वहाँ समोसे बन रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। बड़ा ही छोटा सा सेटअप है, और ये इनके छोटे छोटे समोसे बन रहे हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना दुकान का साइज देख लो, बहुत ही छोटी दुकान है पर स्वाद बहुत बड़ा है इनका। 150 साल पुरानी शॉप है गाइस, ये देखो समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, 100 ग्राम जलेबी और रबड़ी दे दीजिए। चलिए चलिए, तो जलेबी है ना ये है 150 साल पुरानी, और ये समोसे भी यहाँ पे बन रहे हैं 150 साल से। जलेबी 150 साल पुरानी नहीं है, जलेबी है ताजी, लेकिन ये शॉप है 150 साल पुरानी। और इसके लिए आपको कहाँ पे आना है, चांदनी चौक, ओल्ड फेमस जलेबी वाला, जो कि आपको मेरे ऊपर दिख रहा होगा। लोग यहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं अपने समोसे और जलेबी लेने के लिए। हमने तो अपनी प्लेटिंग लगवा ली है, और ये है हमारी जलेबी रबड़ी वाली, और ये है समोसे। और समोसे हमने लिए दो तरह के, एक है हमारा मटर वाला और एक है आलू वाला समोसा। ये देखो ये आलू वाला, ये आलू वाला समोसा है, धुआं निकल रहा है इसमें से, गर्म है, धुआं ही निकलेगा ऑब्वियस ही बात है। और ये है मटर वाला समोसा, और बड़े ना छोटे छोटे समोसे हैं, बड़े प्यारे से। मैंने इतने छोटे समोसे वैसे खाए नहीं है, बस फर्स्ट टाइम खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट होता है इनका। चलो फिर हरी चटनी के साथ एक बाइट लेते हैं समोसे की, और भाई मैंने ली जलेबी की और ये विथ रबड़ी, बहुत गर्म है भाई, क्रिस्पी है और मीठा बहुत है, जैसे जलेबी एज यूजुअल होती है मीठी वैसे ही है, और रबड़ी की वजह से टेस्ट अच्छा आ रहा है। समोसा भी काफ़ी अच्छा है, और जो आलू मसाले आप देख रहे हो, मसाले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे कि मसाला आपके गले में नहीं लग रहा है, इस भीड़ का आपको रीजन पता लग जाएगा यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। और मैं लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगा, अगर आपको रबड़ी के साथ नहीं खानी तो जलेबी आप अलग से भी ले सकते हो, प्लस जिसको इसका कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो लेके भी इसको टेस्ट कर सकते हो, पर ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये मटर वाला समोसा ट्राई करता हूँ, नॉर्मली टेस्ट है, कुछ ऐसा खास नहीं है, जैसे समोसे होते हैं वैसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि 150 साल पुरानी शॉप है तो कुछ उसका आपको अलग से स्वाद मिलेगा, नॉर्मल से स्वाद है, पर ठीक है। शॉपिंग करने आ रहे हैं तो कुछ खाने का मन करता है, जब खाने का मन करता है तो ऐसी पुरानी शॉप पे जाते हैं जो कि बहुत फेमस है और स्वाद भी खाना दे रही है आपको। ऐसी छोटी छोटी शॉप्स हैं बहुत सारी यहाँ पे, जहाँ पे ना आप पुरानी दिल्ली के जायके का स्वाद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए आपको आना पड़ेगा ओल्ड दिल्ली, मेरे आगे की तरफ यहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा है, उसके जस्ट बगल में 100-150 मीटर का डिफरेंस होगा, आपको दिख जाएगा ओल्ड फेमस जलेबी वाला। और यहाँ पे यहाँ के आने के लिए आपको गूगल मैप लिंक भी मिल जाएगा हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, बाय बाय।